अस्सलाम वालेकुम गाइस, इसमें सीधा विश्वास में वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बहुत ठीक हूँ। अच्छा, और जो है कल जो है ये कि बारात थी, सो आज हम लोग को जो है नाश्ता लेके जाना है। और अभी टाइम हो रहा है 1:30 बजे। इन लोगों ने मुझे कहा था अगर तुम कल 2 बजे आ गई तो हम ले जाएंगे, वरना हम नहीं लेके जाएंगे। मैं सुबह 11 बजे से कॉल कर रही हूँ, कोई नहीं रहा, लग सकता है निकल गया मुझे छोड़ के। बट फिर चाच नहीं गए, जब ये लोग उठेंगे मैं तुम्हें कॉल कर दूँगा, तुम आ जाओ। मैंने कहा ओके, डन हो गया। सो अभी मैं अकेले ही जा रही हूँ, कोई मेरे साथ नहीं जा रहा है, क्योंकि परिया भी सो रही थी, लाभ भी सो रही थी, तो दोनों में से कोई भी मेरे साथ नहीं जा रहा, मैं सिर्फ अकेले जा रही हूँ। सो चलो, और मुझे कल बहुत चाहती थी कल तुम नहीं जाओगे, लेकिन मुझे जाना था तो मैं जा रही हूँ। और यह बात सचों को बोलनी मैं स्पेशली की रास्ते, देखो मैं जा रही हूँ। सो अभी मैं जा रही हूँ दादी के घर पे, उनके घर से जाने पर ससुराल ही है कि हम लोग को। और कल यार मैं इतना इमोशनल हो गई कि मेरी आंखें अभी तक ख़राब हो गई हैं, दर्द कर रही हैं, आपको सूजी सूजी भी लग रही होंगी। सो इसलिए सो अभी चलते हैं। आज का जो आउटफिट है वो मेरा वाइट है, मेरे पास मिरर नहीं है, मैंने पूरा दिखा दी थी बट वो वाइट। सो अब वही मेरा बैग। सो अब जल्दी जल्दी चलते हैं, क्योंकि जो है दर्द कहीं ये लोग तो मुझे अभी तक तेल तैयार भी नहीं हुए, मैं तो निकल भी गई ना। अच्छा, मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा, मैं पिक्चर ले लूँगी, वरना मैंने पूरी शादी में एक पिक्चर नहीं लिए। इतने अच्छे अच्छे ड्रेसेस बनाए बट एक पिक्चर नहीं ली। सो अगर इस ड्रेस के साथ मुझे पिक्चर बनाने का मौका मिला तो मैं क्यों छोड़ूँ, तो मैं बना दूँगी ना। सब चलते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि दादी की ड्रेस से बहुत प्यारे पिक्चर्स आते हैं। सब चलते हैं। और जो मेरे बाल बने हुए ना, मेरी कज़न ने कल रात बनाए, तो मैंने सोचा ये प्यारे लग रहे हैं, इन्हीं को कैरी करके चलते हैं वहाँ पर। अब चलते हैं वहाँ पर। तो आप लोगों को पता है कल जब भैया की रुखसती हुई ना, तो उसके बिल्कुल दो उसके आधे घंटे बाद हम लोग भैया के घर गए थे उनको खाना देने। उसी के जैसे हम लोग घर आए, उसके 2 या 2.5 घंटे बाद भैया खुद आ गए चाय पीने दादी घर पे। और इतना मज़ा आया ना, ऐसे मतलब वो रह ही नहीं सकते हमारे बिना, वो फ़ौरन आ गई अपने घर से। उनको कहने लगी, देखा मैंने कहा था ना मेरे ऐसे तुम लोग के बिना। हमने कहा हाँ, जो बात सच है वो सच है। फिर क्या था, हाँ पूरी शादी से पहले मैं नहीं रोई, लेकिन कल हम लोगों ने वो इतना रोई है रुखसती में अपनी, इतना रोई है जितना तो मैं भी नहीं रोई उनके लिए, तो वो बहुत रोई थी। मतलब कि वो शादी में जो है ना इतना नहीं रोई, मतलब जैसे शादी स्टार्ट हुई थी जब से अब तक उनका पे ऐसे वगैरह नहीं रही रोई मैं इतना, अभी रोई। सो गाइस, अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पर, दादी से मुझे इतनी कोई डांट भी नहीं रहा कि तुम अकेली कैसे आई रिक्शा में, इतनी इतनी हालात ख़राब है, तुम अकेली कैसे। मैंने कहा दादी बस आ गई ना, कोई लाने वाले थे तुम आ गई। सो अब मैं आ गई यहाँ पे और हम लोग धीरे धीरे जाने लगे, क्या आ रही है कॉल, उनको भूख लग रही होगी सारी। सो ये पग्गी मुझे लेके जानी है, अपो ने कहा गाइस मैं लेके जा रही हूँ पप्पा की पक्की, जिसके अंदर पप्पा को जो है दूध पिलाया था रात में, उन लोगों ने दूध पिलाया की रस्म होती ना वो। सो गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं बस अच्छे कपड़े लेने के लिए, उनके पास कपड़े नहीं थे आज के, उनको अभी याद आया जब यहाँ पे। और यहाँ फॉल्स पे कॉल आ रही है कि नाश्ता लेकर आज उनको भूख लग रही है ना जी। और नाश्ते में क्या लेना है हम लोगों को? मटन कोरमा, मटन कढ़ाई, मटर बिरयानी, मटर पुलाव, मटर कीमा और मटन पनीर, हलीम रोटी, दो लस्सी और डबल रोटी, अंडे, मक्खन। हाँ, तो हम सब जा रहे हैं, मेरे पास रखी हुई है, ये दुल्हन का ऑर्डर है, दुल्हन का ऑर्डर है। तो जल्दी जल्दी चलते हैं, चाचू को भी दिखाऊंगी कि उन्होंने क्या पहना है और क्या लिया है। आज अभी बाहर 2 दिन का कहीं ना कहीं कपड़े चेंज करके आ रहे हैं, कल भी कहीं शर्ट चेंज करके आए थे। बाल बना लो कुत्ते। बहुत टाइम मिला जाता तुम्हें गाड़ी में तैयार होने का, ऐसा अच्छे हो गए। तो भाई जब हम लोग आ गए, हम लोग खड़े हुए थे खाना लेके, खोल दो भाई गेट, खोल दो। अब मैं तो बड़ी जल्दी हुई थी, अपना गेट भी नहीं खोल रहा, आप इधर से पूरी फैमिली आ रही है। तुम क्या भीगी बिल्ली बने हो, मुझे काटने को दौड़े बाबा। भाई एक तो
देखिएगा अच्छे चले मैं बगैर अम्मी ने बगैर स्कूल की अम्मी कैसा लग रहा है आपको चाची चाची ये कैसी लगी चाची को याद आ रही है बहुत प्यारी मैंने मुझे अपनी बेटी की वो मुझे 8 साल पहले की याद आ रही है चाची तुम सब चखोगे सो गाइस हम लोगों ने जो है ब्रेकफास्ट कर लिया और हम लोग इतना लेट आए मैं चाची की हालत बताऊं उन्होंने जो घर से कपड़े नहीं पहने उन्होंने मॉल गए वहां से कपड़े लिए हम लोग के साथ हम लोग वेट कर रहे हैं वो कपड़े चेंज कर रहे हैं मॉल में जाके कपड़े लिए हम लोग अभी आधा घंटा ही बैठे हैं 30 मिनट्स होंगे और हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया अब हम लोग जा रहे हैं दादी के पास क्योंकि सबके बच्चे जो है ना उनके पास हैं वो बेचारे अकेले नहीं संभाल सकते सब लोग अय्या को लेके जा रहे हैं वाह सब चलते हैं आप ही देखते हैं अभी हम लोग हैं अय्या के रूम में और अय्या का रूम बहुत प्यारा है आप लोग को ऐसे दिखा देती हूँ ऐसा बहुत प्यारा रूम है बहुत प्यारा माशाल्लाह और यहाँ पे चाचू कह रहे हैं हमारा डायलॉग जो है ना अलीशा के दिल पे जाके लगता है कौन सा वाला डायलॉग ये वाला सभी मम्मी खाए हैं मार्ट में शॉप है बड़ी सी शॉप है हम लोग यहाँ से ले लाए कुछ चीज़ पकाए मम्मी के लिए और अपने लिए देखते हैं क्या क्या ले रहे हैं तो समझ आया ये क्या नहीं अच्छा नहीं है ये मैं दूँ आपको कुछ चले मैडम आपका पहला दिन है आज सो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं और देखते हैं अम्मी का रिएक्शन क्या होगा ये वो देखते पूरे नहीं थोड़ी सी क्या कर रहे हो तुम लोग पतंग उड़ा रहे हो मेरे थोड़ी ना उसको सुने क्या कर रहे हो क्या हुआ एक तो माजा गुंजल उसकी पतंग काट दी ऊपर से वो तो मैं क्या करूं मैंने तू बड़ा पतंग बड़ा तेरी वापस काटता हूं तू बड़ा सो भाई ये लोग तो लड़ रहे हैं मैं यहां पे आई हूं मैंने मतलब क्यों ना एक आठ टिकटॉक बना लेते मगर बन जाते अरे तू ने पहले भी यही किया था मैंने मान लिया था जब उस टाइम अब एक चांस भी नहीं हटो तो तुम लोग तो हटाओ चलो वो तो बोल दो वो करवा देना सबको एक बार नहीं बार नहीं ये गलती मैं डालू सारी छोड़ा